What's up everyone, welcome back to the channel. Guys, हम लोग कंप्लीट कर चुके थे हमारा एडमिशन. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी हम पढ़ने वाले हैं. हम इसको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे. आई होप आपके हाफ ईयरलीज ऑलमोस्ट खत्म हो गए होंगे या होने वाले होंगे. तो चलिए जल्दी से रिटायरमेंट का एक एक कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं. कॉन्सेप्ट कॉपी उठा के लाओ और सारी चीज़ें साथ साथ शुरू करो. चलिए लेट्स बिगिन. चलो यार शुरू करते हैं. जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालो सब बच्चे, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर. अब बेटा जी सब लोग ये समझो कि रिटायरमेंट और डेथ में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग. क्यों सर? क्योंकि देखो रिटायरमेंट में भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, डेथ में भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है. बस फर्क यह है कि रिटायरमेंट में वो अपनी इच्छा से जाता है तो यूजुअली 31 मार्च को जाएगा, बट डेथ में उसके हाथ में ही नहीं है यार. उसकी इच्छा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. भाई बुलावा आ गया तो जाना पड़ेगा ना. तो डेथ इज समथिंग विच इज़ वेरी अनसर्टेन किसी भी डेट पे. तो वहाँ पे आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बस प्रॉफिट का डिफरेंस आता है, बाकी सब सेम. क्योंकि जो भी पार्टनर जाएगा, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे वो डिजीज्ड पार्टनर हो, वो क्या क्या लेके जाएगा. अभी हम फिलहाल सिर्फ रिटायरिंग की बात करते हैं. देखो सबसे पहले तो रिटायरिंग पार्टनर लेके जाएगा उसका शेयर ऑफ कैपिटल. उसका जो भी कैपिटल है वो लेके जाएगा, राइट. कैपिटल के बाद क्या लेके जाता है? अपनी गुडविल का हिस्सा, गुडविल का शेयर. उसके बाद क्या क्या लेके जाता है? उसका रिजर्व्स, जो भी उसका रिजर्व्स में शेयर बनता है वो लेके जाता है. उसके बाद अगर कोई भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो बेसिकली लेके जाएगा. तो एक रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा, भैया मैं जा रहा हूँ, आप मुझे मेरी कैपिटल दो, आप मेरा गुडविल का हिस्सा दो, आप मेरे रिजर्व्स का पैसा दो, आप मेरा प्रॉफिट या लॉस दो, मैं अपना टोटल पैसा लेके जाता हूँ. तो जब भी पार्टनर रिटायर होगा या जब भी पार्टनर की डेथ होगी तो ये सब उसको देना पड़ेगा आपको, ठीक है. तो अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में रिटायरमेंट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. रिटायरमेंट में आपके पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं. सबसे पहला आता है बच्चों न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो. इसको ध्यान से देखो, न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो. एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशो पढ़ते थे, यहाँ पे आप गेनिंग रेशो पढ़ते हो, ठीक है. उसके बाद दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल को कैसे ट्रीट करना है. गुडविल के लिए GW लिख दूँ चलेगा. उसके बाद हम तीसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स. ये हमारी तीसरी चीज़ आ जाएगी कि हम रिजर्व्स को कैसे ट्रीट करेंगे. फोर्थ वन इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. फिफ्थ वन इज द कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस. कॉम्प्रीहेंसिव में हम सेटलमेंट भी पढ़ लेंगे, सारी की सारी चीज़ें पढ़ लेंगे. और कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में ही हमारे पास कैपिटल एडजस्टमेंट भी आ जाता है. मतलब कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन के अंदर ही हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट भी आ जाता है. ऑल्दो अलग अलग बुक्स में बहुत सारे केसेस बने हुए हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के, बट दो ही तरीके की है यार बनाने को. मैं 5-6 केसेस बना सकता हूँ, बट दो ही है. तो मैं बच्चों के लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, मैं बच्चों के लिए चीज़ें सिंपल रखता हूँ. तो रिटायरमेंट में बेटा जी हमें ये सब सीखना है, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस. तो ये आप मान के चलो कि ये 5-6 क्लासेस में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से हो पाए. विल स्टार्ट टुडे विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलेंगे न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो. न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो, ठीक है. आओ सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे. मुझे क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लगता है. तो आप ये समझो कि सपोज तीन पार्टनर्स थे. कौन कौन तीन पार्टनर्स थे? लेट सपोज हम बोल देते हैं कि ये है हमारा चिंटू, ये है हमारी चिंटी और ये है हमारा बंटी, ठीक है. एक चिंटू है,
एक चिंटी है, एक बंटी है। अब हो क्या रहा है बेटा जी, इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2:1। तो अगर ये 60 रुपीज़ कमाते थे, लेट सपोज ये 60 रुपीज़ कमाते थे, तो कैसे कैसे बढ़ता था? 30 रुपीज़ इसको मिल जाते थे, 20 रुपीज़ इसको मिल जाते थे, 10 रुपीज़ इसको मिल जाते थे। 3:2:1 था ना, है ना। अब क्या होगा, अब हमारे पास बंटी फर्म छोड़ के जा रहा है, ही इज़ द रिटायरिंग पार्टनर। बंटी ने बोला बस यार मेरी उम्र हो गई है, मेरे से बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, आई रियली वॉन्ट टू गो, तो मैं कर नहीं पाऊंगा ज़्यादा काम, बंटी फर्म छोड़ के जा रहा है। अब अगर बंटी फर्म छोड़ के जाएगा तो पार्टनर कौन कौन रह जाएंगे? चिंटू, चिंटू देखो बहुत खुश है एक पार्टनर चला गया, चिंटी, चिंटी भी बहुत खुश है कि एक पार्टनर चला गया। तो पार्टनर बचे दो, एक चिंटू और एक चिंटी, और इन्होंने डिसाइड करा कि अब हम प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। तो अगर अब भी प्रॉफिट हुआ 60 रुपये का, तो चिंटू को 30 मिल जाएंगे, चिंटी को भी 30 मिल जाएंगे। तो देखो पहले चिंटू को 30 मिल रहे थे, चिंटू को अब भी 30 मिल रहे हैं, लेकिन चिंटी को तो पहले 20 मिल रहे थे बट अब 30 मिल रहे हैं। इसका मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है चिंटी, एक्स्ट्रा ले रही है, नहीं ले रही है। ये 10 रुपये किसके हैं? ये रिटायरिंग पार्टनर वाला हिस्सा है। इसका मतलब जो हिस्सा पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको मिलता था, अब उसका हिस्सा किसने ले लिया? चिंटी ने ले लिया। इसका मतलब जो भी पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है वो अपना हिस्सा किसी ना किसी को तो दे के जाएगा, या तो वो एक पार्टनर को दे के जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को दे के जाए। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि उसने अपना हिस्सा किसको दिया है, किसी एक पार्टनर को या दोनों पार्टनर्स को। तो यहाँ पे जब एक पार्टनर चला जाता है तो किसी ना किसी पार्टनर का फायदा होगा या नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं चलता, यहाँ पे क्या चलता है? गेनिंग रेशो। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या लिखवाया, एक तो हमें न्यू रेशो सीखना है और एक हमें गेनिंग रेशो सीखना है। इस चैप्टर में सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं होता, सेक्रीफाइस किस में होता है? एडमिशन में, क्योंकि वहाँ हिस्सा कम हो जाता है। आया ना एकदम दिमाग में? बढ़िया तरीके से। चलो आओ, अब आप सबसे पहले हेडिंग डालो न्यू रेशो। सर न्यू रेशो कैलकुलेट कैसे होगा? तो न्यू रेशो के लिए बेटा जी दो पार्ट्स बनाओ। दो पार्ट्स क्या बनाते हैं इसके अंदर? जैसे एडमिशन में दो पार्ट्स थे ना, वैसे इसके अंदर भी दो पार्ट्स हैं। व्हेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट गेन इज नॉट गिवन, अगर गेन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन ही ना हो, और दूसरा क्या बनता है? व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट गेन इज गिवन। एक है इंफॉर्मेशन गेन के बारे में दिया है और एक है इंफॉर्मेशन गेन के बारे में नहीं दिया। सर इसका क्या मतलब है? जैसे हम बोलते हैं कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2:1, ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। सी रिटायर्स, कैलकुलेट न्यू रेशो, बात खत्म। देखो क्या है, आपको बोल रहा है सी चला गया, अब न्यू रेशो बताओ। तो देखो क्या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, कुछ बताया ही नहीं सी का हिस्सा किसने लिया। तो यहाँ पे है द इन्फॉर्मेशन अबाउट गेन इज नॉट गिवन, राइट। अब इधर देखो, इन्फॉर्मेशन इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल ए रेशो बी रेशो सी इज 3:2:1, ये है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सी रिटायर्स एंड हिज शेयर is taken by A and B equally. Calculate new ratio. अब दोनों में फर्क देखो, एक में information नहीं है, एक में information है। आप बहुत clearly दोनों को differentiate कर पा रहे हो, एक में कोई भी जानकारी नहीं है, एक में proper जानकारी दी हुई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जब इस तरीके का केस हो कि इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तो बहुत सिंपल है, ए बी सी का रेशो कितना था? 3:2:1, है ना। जो चला गया उसका हिस्सा हटा दो, सी गया ये हटा दो, ए रेशो बी 3:2 आंसर, ये हमारा न्यू रेशो हो गया, बात खत्म। ज्यादा सोचना ही नहीं है, जो पार्टनर चला गया उसका हिस्सा हटा दो। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से ले लो ए रेशो
बी रेशो सी, थ्री रेशो टू रेशो वन, बी चला गया, ये हटा दो, लो अब ए रेशो सी क्या आ गया, थ्री रेशो वन, ऐसा हो गया। सपोज ऐसा लिखा है ए रेशो बी रेशो सी, थ्री रेशो टू रेशो वन, ए चला गया, तो चलो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ बी रेशो सी का क्या आंसर आएगा, देखता हूँ आपको कितना समझ में आया। ए गया तो बी रेशो सी का आंसर आप फटाफट से पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब आते हैं यहाँ, यहाँ क्या है, ये ध्यान से देखने वाला पार्ट है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन इज गिवन, ए बी सी तीन पार्टनर्स थे जिनका रेशो था थ्री रेशो टू रेशो वन, तो लिखा है ए हो गया 3/6, बी हो गया 2/6, सी हो गया 1/6, ए रेशो बी रेशो सी ये गिवन थे, ठीक है, और सी रिटायर हुआ, ये जा रहा है, इसका हिस्सा इन दोनों ने ले लिया बराबर बराबर, इक्वली लिखा हुआ है ना, टेकन बाय ए एंड बी इक्वली, तो हम क्या करेंगे 1/6 को बराबर बराबर अगर मैं करूं तो 1/6 का हाफ 1/12 हो गया, दो हिस्से 1/12 तो 1/12 इसको मिल गया तो इसमें जोड़ देंगे, 1/12 इसको मिल गया तो इसमें जोड़ देंगे, देखो इस बार इन्हें मिला है तो ऐड करेंगे, राइट, तो यहाँ पे देखो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 12 आ जाएगा, 6 2 7/12, यहाँ पे भी एलसीएम अगर मैं 12 ले लूँ 5/12, तो जो नया रेशो है वो 7:5 आ गया, आ गया या नहीं आ गया, इसका हिस्सा हमने बराबर बराबर करा 1/12 1/12, इन दोनों को मिल गया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ऐड करके लिख दिया, तो देखो जब इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, जब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ चलो ए बी सी यही ले लेते हैं, 3:2:1, सी रिटायर्स एंड हिज शेयर वॉज टेकन Entirely by B। अब देखो C गया और उसका हिस्सा पूरा का पूरा B ने ले लिया, आपको बोल रहा है न्यू रेशो बताओ, तो अब कैसे करोगे, A B C कितना कितना था 3/6 2/6 1/6, ये C जा रहा है और इसका हिस्सा पूरा का पूरा B ने ले लिया, तो ये पूरा का पूरा बस यहाँ जोड़ दो, तो ये तो 3/6 ही रहेगा और ये भी 3/6 ही हो जाएगा, तो रेशो क्या बन जाएगा 3:3 और 1:1, ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको लिखना है। तो या तो एक पार्टनर जो जा रहा है वो अपना हिस्सा दोनों को देके जाएगा किसी स्पेसिफाइड रेशो में, या फिर किसी एक को भी दे सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस चीज पे, गेनिंग रेशो पे, हेडिंग डालेंगे बच्चे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो के कितने केसेस बन सकते हैं, दो केसेस, अगर आपको गेनिंग रेशो निकालना है तो दो केसेस बन सकते हैं, व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन एंड व्हेन न्यू रेशो इज गिवन। अगर न्यू रेशो गिवन ना हो और अब न्यू रेशो अगर गिवन हो तो, पहले लिख लो फिर एग्जांपल बताता हूँ, अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो याद रखना न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो हो जाएगी, जो भी आप न्यू रेशो निकालोगे वही गेनिंग रेशो भी हो जाएगी, लेकिन अगर गिवन है तो इस सिनेरियो में गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगेगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दोनों रेशोज गिवन है तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे। सर एग्जांपल से बताओ, आओ ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:2:1 है, सी रिटायर्स, कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। अब देखो ना न्यू रेशो गिवन था क्वेश्चन में ना गेनिंग रेशो गिवन था, आपको बोल रहा है दोनों निकालो, तो क्या केस बन गया, व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन, जब नया रेशो गिवन नहीं है, ठीक है। तो अगर नया रेशो गिवन नहीं है तो क्या करना है, मैंने क्या बोला न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो है, तो हम क्या करते हैं 3:2:1, सी गया तो इसको हटा दिया, तो न्यू रेशो भी 3:2 है और गेनिंग रेशो भी 3:2 है, बात खत्म। जब जानकारी नहीं होती तो जो न्यू रेशो है वो ही गेनिंग रेशो है बच्चों, ठीक है। और अगर दो रेशो गिवन हो, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा है ए बी सी 3:2:1 है, सी रिटायर्स और अब ए रेशो बी इक्वल इक्वल हो गया 1:1 हो गया,
अब आप बताओ गेयरिंग रेशो। तो देखो ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। तो आपको गेनिंग रेशो निकालना है, तो कैसे निकालोगे? गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ए बी सी। न्यू रेशो चाहिए पहले मुझे 1/2, 1/2, ये तो चला ही गया तो इसका तो जीरो हो जाएगा, है ना। और ओल्ड रेशो क्या था? 3/6, 2/6, 1/6। तो बच्चों जो गेनिंग रेशो निकलेगा वो ए और बी में से ही निकलेगा, तो इसको तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब देखो एलसीएम लो, 6, 6, 2, 3, 3 - 3, 0/6, ये तो निल हो गया बच्चों। इसका मतलब ना ये गेन कर रहा है ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अब बी की बात कर लेते हैं, 3 - 2, 1/6 का गेन आ गया इसको। सर पॉजिटिव वैल्यू गेन होती है, देखो मैंने तुम्हें क्या बोला है, कभी भी रटो मत। आप देखो पहले क्या लिख रहे हो, बाद में क्या लिख रहे थे। पहले आप न्यू रेशो लिख रहे हो, बाद में ओल्ड रेशो लिख रहे हो। इसका मतलब पहले इसको दो पार्ट थे, अब इसको तीन पार्ट है, तो बढ़ गया नहीं बढ़ गया, एक 1/6 का गेन है। और इसको देखो माइनस का 1/6, तो ये सेक्रीफाइस है, ये निल है। जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है ना वो तो हमेशा सेक्रीफाइस करता है, ये बात तो माइंड में रखना। जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा वो हमेशा सेक्रीफाइस ही कर रहा होगा, और जो बचे हुए पार्टनर है उसमें या दोनों गेन कर रहे होंगे या एक गेन कर रहा होगा। तो इस बार गेनिंग रेशो नहीं है, बस गेनिंग शेयर है। हम बोलेंगे बस बी विल गेन द एंटायर शेयर ऑफ सी, पूरा पूरा सी का शेयर बी ने गेन कर लिया। तो हमने सीखने के लिए क्या बात है बच्चों, सीखने के लिए ये बात है कि जब भी आपको न्यू रेशो गिवन है और ओल्ड रेशो भी गिवन है तब तो फॉर्मूला लगेगा, और अगर ऐसा नहीं है, न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो फिर बस जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो होगी। डन। तो दिस इज हाउ आप गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हो, दिस इज हाउ आप न्यू रेशो कैलकुलेट करते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप आज एक बार रिवाइज कर लो, एक बार बैठ के आसानी से चीज़ें देख लो। कल हम लोग इसके और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको PYQs कराऊंगा, साथ साथ सारे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कौन सा टॉपिक गुडविल, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड आई रियली होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में मैं और चीज़ें करा दूंगा, जब क्वेश्चंस कर लोगे ना मज़ा आ जाएगा, तो आई नंबर नहीं कटेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।